देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान इन दिनों चर्चा में है, जो उन्होंने दिया है आफ्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इसे जम्मू कश्मीर से हटाने पर विचार कर रही है। बस इसी बयान के बाद आफ्सपा एक बार फिर से चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या है ये कानून, इसके तहत क्या है कायदे, पहली बार कब हुआ ये लागू, जम्मू कश्मीर से इसे हटाने पर क्यों विचार कर रही है सरकार, और फिलहाल देश के किन राज्यों में लगा है आफ्सपा। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आफ्सपा। आफ्सपा एक संसदीय कानून है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और राज्य और अर्धसैनिक बलों को डिस्टर्ब्ड एरियाज के रूप में बटे हुए इलाकों में स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। इसको लागू करने का पर्पस डिस्टर्ब्ड एरियाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसको तब लागू किया जाता है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है। आफ्सपा के तहत आर्म्ड फोर्सेज और डिस्टर्ब्ड एरियाज में तैनात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा अगर सुरक्षा बलों को ऐसा अंदेशा होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं तो उसे तबाह किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आपको बताते हैं कब पहली बार लागू हुआ आफ्सपा। ये कानून पहली बार साल 1958 में नागाओं के विरोध से निपटने के लिए लागू हुआ था। वहीं इस कानून को साल 1972 में अमेंड किया गया था और किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दी गई थी। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां भी 1990 में आफ्सपा लागू कर दिया गया। ऐसे में सरकार आफ्सपा को कश्मीर से हटाने और यहाँ की कानून व्यवस्था अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना के बारे में क्यों सोच रही है। दरअसल 2019 से पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के हालात में बहुत सुधार हुआ है। इसके आंकड़े संसद में भी पेश किए गए और ग्राउंड पर भी देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जो रणनीति बनाई थी उसमें सफलता मिली है। घाटी में हालात बदले हैं और शांति देखने को मिल रही है। युवाओं में एजुकेशन से लेकर जॉब्स का क्रेज बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद में 80% कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं काफी हद तक खत्म हुई हैं। 2004 से 2014 तक 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2014 से 2023 तक ये घटकर 2,227 हो गई हैं और ये करीब 70% की कमी है। वहीं सुरक्षा बलों की मौतें 1,060 से घटकर 574 हो गई, जो 46% की कमी है। यही कारण है कि सरकार ये बड़ा कदम उठा सकती है। चलते चलते आपको बताते हैं अभी कहां कहां लागू है आफ्सपा। आफ्सपा को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि बाद में समय समय पर कई इलाकों से इसे हटा भी दिया गया। फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है। ऐसे में आप हमें कमेंट्स में बताइए क्या आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में सोच रही है या नहीं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।